आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूँ। तो कांग्रेस पार्टी हार्दिक पटेल को अपना एक बड़ा युवा चेहरा बताती आई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा। हालांकि यहां पर आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो सुनील जाखड़ से जुड़ी खबर हो या नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी खबर हो, हर लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बुरा दिन रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि युवा चेहरे कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहते, बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त हार्दिक पटेल हैं। हार्दिक पटेल, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल, क्योंकि जो आपने चिट्ठी लिखी मिसेस गांधी को, सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लिखी वो हमने पढ़ी, और उस चिट्ठी में जो बड़ी बातें हैं उन्हीं पर मैं आपसे बात करना चाहती हूं। आपने उसमें लिखा कि जब देश संकट में था तो नेता विदेश में थे, आपने ये क्यों लिखा? देखिए, बहुत ही स्पष्ट बात है कि जब जब देश के भीतर कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति होती है या कांग्रेस पार्टी कोई विपरीत परिस्थिति में होती थी, तब हमारे नेता कहाँ थे वो हम आप सब जानते हैं। तब तब उनकी जिम्मेवारी होती थी कि यार पार्टी के भीतर रहे, पार्टी की समस्या को जाने, पार्टी की समस्या को सुलझाए, उसका समाधान करे। उसकी जगह उन्होंने बस अपनी जगह को अलग करके पार्टी को अपना हाल छोड़ने का काम किया था। जब देश के भीतर विभिन्न मुद्दों की बात हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे NRC का मुद्दा हो, चाहे GST का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दे पर जनता ये चाहती थी कि कांग्रेस भी इस मुद्दों के साथ खड़ी रहे। तब भी आप खड़े नहीं रहे, तब भी आपने इस मुद्दों को समाधान के रूप में लोगों के बीच में उसका सहयोग नहीं किया। इन सारी परिस्थिति को लेकर जब अब हम लोगों के बीच जाते हैं तो यही लोग कहते हैं कि यार तुम लोग क्यों हम लोगों के साथ आते हो, तुम लोगों ने हमारी कभी सुनी नहीं, हम लोगों के साथ कभी खड़े ही नहीं रहे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने पार्टी का हाईकमांड से, पार्टी प्रेसिडेंट से अपनी बात रखकर इस्तीफा दिया है। और कांग्रेस पार्टी में मैंने 3 साल जो दिए वो 3 साल जनहित की सेवा के लिए देना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हम लोगों की सेवा का उपयोग भी नहीं करना चाहती। और इवन गुजरात में गुजरात की कांग्रेस की जो नेतृत्व है वो जनहित के साथ जनता की सेवा भी करना नहीं चाहती, उससे दुख होते हुए हमने पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। ठीक है, आप पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व को लेकर आपने कई बातें कही हैं, लेकिन उससे पहले जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है वो है जो आपने जिक्र किया है चिकन सैंडविच का, कि गुजरात और गुजरातियों की समस्याओं से दूर जो स्टेट यूनिट थे और उसके नेता थे उसका फोकस ये रहता था कि चिकन सैंडविच समय पर मिला या नहीं उन नेताओं को जो दिल्ली से आए थे। ये चिकन सैंडविच की कहानी क्या है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, दो चीज़ है अदिति जी, आप भी जानती है कि जब कोई दिल्ली से लीडर किसी भी स्टेट में प्रचार के लिए जाए तो उसकी जिम्मेवारी होती है कि वहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर वो अपनी बात रखे। और लोकल मुद्दे कौन देगा? जो स्टेट लीडरशिप होगी वो देगा, जो PCC होगा, जो CLP होगा। और इसकी जिम्मेवारी होती है कि इन सारे मुद्दों को लेकर हम अपने दिल्ली से आए हुए नेता को अवगत कराएं। लेकिन नहीं, जब ये सब चीज़ होनी चाहिए उसकी जगह क्या होता है कि भाई उनको खाना क्या मिलेगा, उनको कौन सी सैंडविच चाहिए, तो कि चिकन सैंडविच कहाँ से लाएंगे, डाइट कोक कहाँ से लाएंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर हमें दुख होता है कि जब दिल्ली से कोई नेता आता है तो इस मामले में आप बात क्यों नहीं करते जो मुद्दे की बात है, आप खाना पीना उनकी चापलूसी करना, बस यही बात चलती रहती है। और स्वाभाविक रूप से ये दुख, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं अदिति जी, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं है, हमारा कोई गॉडफादर दिल्ली में नहीं बैठा जो हमारी वहाँ तारीफ करते करते हम लोगों को मदद करेगा। जो भी करना है हमको अपने दम पे करना है, लोगों के बीच जाके करना है। और हम चाहते हैं कि लोगों के बीच जाया जाए, लोगों की बात की जाए, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में मुमकिन नहीं थी। लेकिन ये जो चिकन सैंडविच की क्या कोई कहानी है स्पेसिफिकली, क्योंकि जब वो लाइन आपकी लेटर में पढ़ता है कोई तो वो इंस्टेंटली स्ट्राइक करती है, इसकी क्या कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट है जो हुआ और आप हमारे दर्शकों को बता पाए उसके बारे में? नहीं, मैंने कहा ना कि एक दो रैलियों में ये हुआ ना कि कोई हमारे नेता होते वो दो तीन लीडरों को कहते कि भाई 2-3 लड़कों को लगाओ ये चीज़ लानी पड़ेगी, तो बोला क्या क्या लाना है, तो बोला डाइट कोक लाना है, चिकन सैंडविच लानी है। और मुझे तभी कहीं ना कहीं ये दुख लगता है कि हमारे नेता इसमें ज़्यादा व्यस्त है, मुद्दों के आधार पर काम करने में व्यस्त नहीं है। और इसीलिए तो पिछले 30 साल से गुजरात की जनता कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही। पहली बार ये हुआ अदिति जी 1990 के बाद गुजरात में कि 2017 में कांग्रेस पार्टी को 60 से ऊपर सीट मिली, यानी कि 80 के आसपास सीट मिली, लेकिन उसको भी संभाल नहीं पाए, कई सारे नेता गुजरात से चले गए। क्यों? जब कोई नेता जाता है तो आप ये कहते कि इस नेता तो बिक गया, ये नेता डर गया, नहीं, ऐसे नहीं होता। जब कोई जाता है तो उस पर हमें चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमारी ऐसी क्या गलती थी कि ये नेता हमें छोड़ के चला गया।
ठीक है, आपने ये भी लिखा कि शीर्ष नेतृत्व में मुद्दों के प्रति गंभीरता जो है वो नहीं दिखी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा, ये आपने क्यों लिखा? इससे भी जुड़ी कोई कहानी होगी? देखिए, कहानी से बड़ी बात है, हकीकत होती है, कहानी नहीं होती है अदिति जी। राजनीति में कभी कोई कहानी से जुड़ी चीज नहीं है, हकीकत से जुड़ी हुई चीज होती है। जब हम किसी मुद्दे पर, इवन राहुल जी के कई सारे वीडियो भी आए जो बहुत ही गंभीर जगह पर आप खड़े रहे तब भी आप मोबाइल का यूज करते हैं, जब आप ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर जहां आपको ध्यान लोगों का देना चाहिए तब भी आप मोबाइल का यूज करते हो, जब हमने कई मुद्दे ऐसे दे रखे बस आपने मोबाइल तक सीमित रखे, उससे आगे कभी गए ही नहीं। जब हमें क्या था, हम कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन किया, हमें ऐसा था कि राहुल जी हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें सहयोग करेंगे। जब हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया तब कांग्रेस के भीतर जो चीज़ें हो रही थी वो हम लगातार राहुल जी को बता रहे थे। राहुल जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हार्दिक चिंता मत करो, मैं स्टेट लीडरशिप को बोलता हूँ तो मैं पूरी मदद करेंगे, जगह देंगे। ये सारे 30-30 साल से सब नेता अपनी अपनी जगह बना के बैठे हैं और अपनी जगह छोड़ना ही नहीं चाहते, काम कुछ करना नहीं चाहते, जनता की आवाज बनना नहीं चाहते, जनता के मुद्दे उठाना नहीं चाहते। और हम जैसे लोग जब इस सब काम से जुड़े रहते तो हम लोगों को कभी सहयोग नहीं किया गया। तो इसीलिए दुख होता है कि जिस राहुल जी के भरोसे, उनके प्रोटेक्ट के भरोसे हम राजनीति में आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने वो मदद हमें कांग्रेस में नहीं की और इसी कारण कहीं ना कहीं स्टेट लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को दुखी करने के लिए, अपमानित करने के लिए, परेशान करने के लिए काम करती रही। हमारे स्टेट के इंचार्ज है रघु शर्मा जी, जो राजस्थान सरकार के हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो यहाँ के ये बोलते हैं परसों, कल बोले कि भाई 17 के चुनाव में जो कांग्रेस को इतनी सीट मिली है ये पाटीदार के आंदोलनों से नहीं मिली। अरे गजब बात है, जिस समाज के आंदोलन से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली विपक्ष की भूमिका में मजबूती रूप से मौका मिला, सहयोग मिला, अब आप ये कहते हैं कि हमें नहीं मिला। तो देखिए अब आने वाले दिनों में गुजरात की जनता इसका भी जवाब देगी। लेकिन राहुल गांधी से आपकी क्या क्या बात हुई, कब आपकी उनसे आखिरी टाइम बात हुई, आखिरी बार बात हुई, और राहुल गांधी को क्या जो आपकी समस्याएं थी, जो मुद्दे थे, जो आपके अंदर आप परेशान हो रहे थे, आपके अंदर जो डिससैटिस्फेक्शन थी, क्या आपने राहुल गांधी को इसके बारे में बताया? बात हो गई होती तो आज ये स्थिति नहीं थी। हमने 15 दिन पहले हमने कहा था कि गुजरात में ये हो रहा है, इसका बदलाव कीजिए। हमने पार्टी से पद नहीं मांगा था, हमने वर्क मांगा था कि आपने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष तो बना दिया है लेकिन काम क्यों नहीं दे रहे 2 साल से, सिर्फ होद्दा लेकर मैं क्या घूमता रहूंगा गुजरात के बीच में, मुझे तो जनता के बीच जाना है, मुझे काम करना है, कैसे लोगों को जोड़ सके हम। उस काम में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इवन 15 दिन पहले जब मैंने अपनी बात रखी उनके सामने और जब वो दाहोद आए 7 दिन पहले, तभी उन्होंने 2 मिनट भी बात नहीं की कि हार्दिक मैंने तुम्हारी बात सुनी है, चिंता मत करना, बहुत जल्द उस पर अच्छे से काम करेंगे। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। ऊपर से आपने उसी मंच से आपने पॉलिटिकली जातिवाद की राजनीति दिखा दी कि भाई फलाना आदमी इतने साल जेल में रहा है, इतने महीने जेल में रहा है। जेल में तो हम 9 महीने रहे थे, मुझे 2 साल की सजा थी, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन कभी कांग्रेस ने इस बारे में मुझे कभी मदद नहीं किया। लेकिन आप क्यों, इसलिए क्योंकि मैं पटेल हूँ, गुजरात का मैं पटेल हूँ, इसलिए आप मुझे मदद नहीं करते। गुजरात के भीतर आप सिर्फ और सिर्फ जातिवाद राजनीति पर हावी होकर ऐसे लोगों को मदद करना चाहते हैं जो प्रदेश के भीतर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और इसीलिए गुजरात की जनता ने 30 साल तक कभी कांग्रेस को आगे दिखाने का मौका नहीं दिया था। मुझे भरोसा है कि अगर यही स्थिति चलती रहेगी तो जनता आने वाले दिनों में विपक्ष की भूमिका में गुजरात में कांग्रेस को देखना भी पसंद नहीं करेगी। राहुल गांधी से आपका एक ओपन डिस्कशन कब हुआ लास्ट टाइम? बहुत टाइम हो गया अब उसकी तो बात है, अभी तक मैं कम से कम राहुल जी को 1-to-1 तो बहुत कम मिला होगा। ये लोग दुनिया बातें करती रहती है, हम उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं, फोन पे जरूर बातचीत करते हैं, फोन पे अपनी बात वहां पहुंचा देते हैं। अगर ऐसी बात होती अदिति जी कि राहुल जी सबसे मिल रहे, सबसे बातचीत कर रहे हैं, तो प्रदेश और देश में कई नेता पार्टी छोड़ के नहीं गए होते। मैंने गुजरात में कई पहले कहा था कि गुजरात में हमारे इतने विधायक हैं, आप एक बार विधायक जी से मिल लीजिए, सब विधायक से मिलिए, उनकी चिंता क्या है, उनकी परेशानी क्या है। लेकिन कभी 4.5 साल हो गए, अभी जाके दाहोद में मिले 65 विधायकों से, तब तक नहीं मिले। अरे हमारी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की अब 2 स्टेटों में सरकार बची है, फिर भी आपके पास समय नहीं है, तो कब समय रहेगा? किसी की चिंता दूर कीजिए, किसी से बात कीजिए। ये सुनील जाखड़ जी चले गए,
40 साल का रिश्ता था कांग्रेस पार्टी से उनका, उनके पिताजी बलराम जाखड़ जी कितने बड़े किसान नेता हुआ करते थे, क्या किया आज उनके साथ आपने, अपमान किया उनका, उनको नोटिस थमा दिया हाथ में, ज्योतिराज सिंधिया जी चले गए, जितिन प्रसाद जी चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी चले गए, आज वहां मुख्यमंत्री वो बने हैं। कहने की बात है आप उनकी परिस्थिति को कभी समझे ही नहीं, बस अपनी धुन में लगे रहिए, आपको जो ठीक लगा वो किया आपने, जिसको जाना है चला जाए, बस यही स्टेटमेंट देते रहे आप। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने केसेस का जिक्र किया था, दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं जब आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे तो आप पर एक के बाद एक केस लगाया जा रहा था, आप पर अब बीजेपी ने केसेस हटाने शुरू कर दिए और आपने भी बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया, उस पर आप क्या जवाब देंगे, क्या बीजेपी आपका अगला घर है? अरे मैं सत्ता के सामने आंदोलन करके खड़ा हुआ था, स्वाभाविक है कि सत्ता के सामने हम लड़े, सत्ता उस लड़ाई में कहीं ना कहीं अपनी जगह देखती होगी, हम पर आंदोलन पर केस किए, मैं जेल में गया, मुझ पर सजा दी गई, कांग्रेस में आया तब भी मैंने कांग्रेस के हितों के लिए खूब ईमानदारी से काम किया, और जब प्रदेश के सिर्फ हार्दिक पटेल पे केस नहीं थे अदिति जी, प्रदेश में हजारों नौजवानों पर केस थे जिसने आंदोलन किए थे, सभी के केस वापस लेने के लिए मैंने एक मुहिम छेड़ी और उसमें वन बाय वन सारे केस अगर एक एक करके निपट रहे तो उसमें क्या गलत है? जो नौजवान लोगों के हितों के लिए आंदोलन करते हो और वो बाद में बेचारे पछताए, वो बाद में कोर्ट के धक्के खाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब जो केस लगे थे वो किसी बलात्कार या मर्डर के केस नहीं हो, वो रैली के केस होते हैं, वो आपको बिना परमिशन सभा करने के केस होते हैं, और ऐसे केस तो वापस होने ही चाहिए, और बीजेपी आरोप लगा देती है हर किसी पर, जब उनको छोड़ के कांग्रेस हर किसी पर सिर्फ आरोप लगा सकती है कि आज छोड़ रहा है तो ये इसलिए छोड़ रहा है, अरे नहीं, आप तो कभी चिंता कीजिए कि आपको छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं, और बात रही बीजेपी की तो अभी ऐसा कुछ तय नहीं है, जिस दिन फैसला होगा डंके की चोट पे लेंगे, हमें हमारे गुजरात के अस्तित्व के लिए, हमें हमारे गुजरात के स्वाभिमान के लिए, उसके अभिमान के लिए जो भी फैसला लेना पड़ेगा वो अच्छा लेंगे, ताकि हम जनहित की सेवा कर सके। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप के बारे में आपकी क्या राय है? कि मैंने पहले भी कहा है, जो अच्छी चीज होगी उसकी मैं तारीफ करता हूँ, जिस पर मुझे लगता है कि अच्छी चीज नहीं मैं खुल के उसके बारे में बात करता हूँ। जब राम मंदिर की बात आई तो हमने तारीफ की थी, 370 की बात हो तारीफ की थी, जीएसटी का मुद्दा हमने तारीफ की है, जो सही चीज है उस पर हमने खुल के तारीफ की है। अभी बीच में मान ली सेना भर्ती का मुद्दा चल रहा है तो हमने कहा कि सेना में युवाओं की भर्ती होनी चाहिए, उस पर हम प्रधानमंत्री से लगातार बोलते रहते कहते रहते अपनी ट्वीट के जरिए फेसबुक के जरिए कि प्रधानमंत्री जी को सेना भर्ती को लेकर खुलकर स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए और देश की सेना में नौजवानों की भर्ती, क्योंकि बहुत सालों से बेचारे मेहनत कर रहे, तो हमने खुल के कहा कि इस मामले में बातचीत होनी चाहिए। फिर ये नहीं है कि हमने सही कोई चीज की तारीफ कर दी तो हम फिर बीजेपी के हो गए, जो सही है उसको सही कहना ही पड़ेगा। और किसी मुख्यमंत्री की मीटिंग में भी ये होता है, कैबिनेट मंत्री भी अपनी बात आक्रामकता से रखते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री साहब मेरे इलाके में ये काम है आप उसमें आप मदद कीजिए, तो अगर कैबिनेट मीटिंग में भी अगर चर्चाएं होती है विवाद होते हैं तो सही चीज होती है उस पर बात करनी चाहिए। अच्छा, ज्ञानवापी पर आपकी क्या राय है? देखिए ज्ञानव्यापी पे पिछले दो दिन से चर्चाएं चल रही है, मैंने ये भी कहा कि हमारा देश हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सनातनी हमारा देश है, तो आप कहीं पर भी खुदाई करोगे कहीं ना कहीं आपको अवशेष मिलेंगे, भगवान की प्रतिमाएं मिलेगी, देवी देवता की प्रतिमाएं मिलेगी, मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग मिला है स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति उस हिसाब से जुड़ी हुई है। तो मेरा यह मानना है कि इस पर भी कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हिंदुत्व का नया चेहरा बनना चाहते हैं आप गुजरात में, ये कह रही कांग्रेस पार्टी। क्या हिंदुत्व का नया चेहरा बनना चाहते हैं आप गुजरात में, कांग्रेस पार्टी कह रही है? अरे हम हिंदू है तो उसमें क्या दिक्कत है, हम हिंदू है तो है, इसमें छुपाने की बात नहीं, कांग्रेस के नेताओं की तरह तो हम नहीं करेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे, अगर हिंदुत्व के वो लेकर हमें अपने आप में गर्व है तो वो तो होना ही चाहिए, उसको क्यों छिपाए, और खुद की राजनीति चमकाने के लिए अगर ये छिपाते हैं तो मैं तो मानता हूँ ये मूर्ख लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त खामोश क्यों है ज्ञानवापी पे? वोटों का चक्कर है, वोट बैंक खिसक जाएगा ये डर लग रहा है माइनॉरिटीज का? अब आप वो कांग्रेस को जरूर पूछिएगा, कांग्रेस मैंने कहा ना कांग्रेस में धर्म से भी बड़ी जातिवाद की राजनीति है,
बाद में धर्म की राजनीति आएगी, और सारे मुद्दे पर बस अपनी अपनी वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं ये सब लोग, और इसी का दुख तो गुजरात में लगा है, इसलिए तो फैसला लिया है हमने छोड़ने का।